हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी मुझे चैनलिंग मैसेज देना था आप लोगों को। ये चैनलिंग मैसेज सभी डीएफ्स के लिए है, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी से रिलेटेड है। देखिए फ्रेंड्स, अभी ऐसी एनर्जी में हम लोग जाने वाले हैं, हम सभी ट्विन फ्लेम्स, चाहे वो डीएफ हो, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइंस हो, ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइंस जो भी हो, हम सभी उस तरीके की एनर्जी में मतलब एंटर करने जा रहे हैं जो जैसे अब तक हम थे। हम अपनी एनर्जी में एक बहुत बड़ा चेंज देखने वाले हैं। वो चेंज स्पिरिचुअल गाइड्स के रूप में भी होगा, एंजेलिक नंबर्स के रूप में भी होगा, चेंज होगा। यूनिवर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव होने जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो चीज़ें होने वाली हैं वो कुछ अलग होंगी फ्रेंड्स। वो कुछ ऐसी होंगी कि डिवाइन फेमिनाइंस जो हैं वो कुछ इस तरीके का फील करने वाले हैं कि जैसे उनका माइंड, बॉडी, सोल बहुत मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को वो क्लियर लिए भी समझ नहीं पा रहे हैं कि किस चेंज में वो जा रहे हैं या फिर क्या चीज़ें हो रही हैं। इमोशंस भी बहुत ज़्यादा मतलब उनको अप डाउन फील हो रहा है, काफ़ी मतलब अलग चीज़ फील हो रही है उनके साथ। बहुत ऐसा कह लीजिए कि पल में बहुत अच्छा सब कुछ लग रहा है, पल में बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत चेंज सा मतलब डाउन फील कर रहे हैं। ये सब फ्रेंड्स इसलिए क्योंकि जब भी हमारी एनर्जी थोड़ी सी अपग्रेड होती है या कोई भी बड़ा चेंज आना होता है तो हम वापस से एक ब्लैंकनेस वाली एनर्जी में चले जाते हैं, एक इल्यूजन की एनर्जी में चले जाते हैं, जो हमारे टेस्ट होते हैं कि हमारा यूनिवर्स पे कितना बिलीव है, अपने आप पर, अपनी सोल पर कितना बिलीव है, ठीक है। और यही चीज़ें जो है, यही जो ट्रस्ट है कि हमारा जो सरेंडर है वो हमें पहुंचाता है उस एनर्जी तक, ठीक है। और जिसकी वजह से हमारी जो एनर्जी है, ये जो चेंज है फ्रेंड्स आप लोगों को दिखने वाला है, ये सूर्य ग्रहण के बाद से ये एनर्जी चेंज होना शुरू हुई है। और जितना कि मैं समझ पा रही थी शुरुआत में, मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ 3 से 4 दिन में ये चीज़ मतलब हमारे सामने होगी, बट नहीं, जितना अब तक का समय लगा है उस हिसाब से एक सप्ताह से ज़्यादा ही हो चुकी हैं चीज़ें मतलब होते होते। तो मुझे ऐसा लग रहा है प्रॉपर ये 15 डेज़ मान के चलिए, तब से अब तक 15 डेज़, और या फिर 2-3 दिन और भी एक्स्ट्रा लग सकते हैं, मतलब 15 दिन का ये टाइम आपका पूरा जाने वाला है इस ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में जाने के लिए, ठीक है। और ये एक स्टेज होती है फ्रेंड्स, जैसे हमारी मतलब अगर हम बॉडी के उससे देखें कि हमारी एज बढ़ती है, मतलब हमारी हमारा विकास होता है, ठीक है, तो हमारी एज बढ़ती है ना। हम नंबर्स के ज़रिए उस एज को डिफ़ाइन कर पाते हैं कि कोई पर्सन 1 साल बीत गया तो अब इतने साल का हो गया, और 1 साल बीत गया तो अब इतने साल का हो गया, राइट। लेकिन वहीं पे जो सोल ग्रोथ होती है उसमें ये चीज़ें होती हैं, उसमें स्टेजेस होती हैं, और उसमें कोई भी ईयर या फिर मतलब कोई एक ऐसा मापदंड नहीं है कि एक पर्टिकुलर ईयर में एक पर्सन का मतलब एज इतनी हो जाएगी, और मतलब ऐसे ऐसे वो कुछ नहीं है यहाँ पे। इसमें ये है कि आपकी एनर्जी किस तरीके से फ्लो में वर्क कर रही है, ठीक है, बैलेंस कैसे हो रही है सब कुछ चीज़ें, तो बस यही चीज़ें हैं। और ज़्यादा कुछ इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई नो ये बहुत सारी डिवाइन फेमिनेंस फील कर पा रही होंगी इस वक्त, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है, मतलब एक पल में ऐसा फील होगा कि बहुत ज़्यादा रेस्ट लेना है, और एक पल में ऐसा फील होगा कि रेस्टलेस हो रहे हो। सेक्रल इस वक्त आपका बहुत प्रभावित हो रहा है, सेक्रल पेन आपको, सेक्रल एंड जो पेन है, सेक्रल एंड थर्ड आई, ये इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, ठीक है।
मैं एक ही बात कहूँगी, आप लोग रेस्ट प्रॉपर लीजिए और रिस्पॉन्स देने से बचिए, क्योंकि आपकी जब भी एनर्जी अपग्रेड होती है तो चीज़ें एक पल के लिए अप एंड डाउन आपको फील होती हैं, देन चीज़ें फिर बैलेंस होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप स्टेबल होने लगते हैं अपनी एनर्जी में और उस एनर्जी में ग्रोथ करने लगते हैं, ठीक है। और अभी प्रॉब्लम्स कुछ इस वजह से भी हो रही हैं क्योंकि आपके जो स्पिरिचुअल गाइड्स हैं वो चेंज हुए हैं, ठीक है। एंजेलिक नंबर्स चेंज हुए हैं जो आपको हमेशा ब्लेस करते हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स जो आपको हमेशा ब्लेस करते हैं वो सारे चेंज हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी ये जो अभी थोड़ा सा आपको मतलब मुझे ऐसा लग रहा है हफ्ता 10 दिन का जो टाइम लग रहा है आपको स्टेबल होने में, आपकी एनर्जी को भी कुछ इस वजह से भी लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मेंटेन करके चलिए। और साथ ही एक बात और मैं कहूँगी कि इस वक्त जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन से गुजर रही है। वो पेनफुल कंडीशन कैसी है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बैलेंस चल रहा था, फ्लो में चल रहा था, बट जब एनर्जी अपग्रेड हो रही है तो केवल एनर्जी आपकी अपग्रेड नहीं हो रही, यहाँ पे आप एक चीज़ फील कर पाओगे कि यहाँ पे आप डिस्टेंस देख पाओगे। कि मैं शुरू से बताती हूँ कि ट्विन फ्लेम्स में होता क्या है कि सबसे पहले अवेकनिंग डिवाइन फेमिनाइंस की होती है, देन डिवाइन मैस्कुलाइंस की होती है। तो जब डिवाइन फेमिनाइंस पहले अवेकन होंगी तो जाहिर सी बात है डिवाइन मैस्कुलाइंस इस जर्नी में कुछ कदम की डिस्टेंस पे होते हैं, लेकिन एक टाइम आने पे वो बैलेंस में चीज़ें फ्लो में आती हैं, तो धीरे धीरे करके डिवाइन एक ऐसा मतलब ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं मैस्कुलाइंस को कि जिसकी वजह से वो आपकी मतलब आप दोनों सेम स्टेज में होते हो, ठीक है, सेम सारी चीज़ें समझ पा रहे होते हो सब कुछ। बट उसके लिए हम जब जब किसी अवेकनिंग में जाते हैं या फिर हम जब जब किसी ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं तो हम बहुत बड़े पेन से गुजरते हैं, राइट। तो होता क्या है कि अभी इस वक्त यही चीज़ आपके साथ हो रही है, यही चीज़ आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ हो रही है, जो आपकी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है इस वक्त वो आप बर्थ से लेकर के अब तक की सारी चीज़ें आप वापस से जो एक पल में दिमाग में घूमने शुरू हो जाती हैं सारी चीज़ें, और आपके इमोशंस को अप्स एंड डाउन्स करती हैं, एंगर भी आएगा, आपको सारे इश्यूज आपके दिखाई देंगे जिनको आप वर्क कर चुके थे, जिन पर आप काम कर चुके थे, ठीक है। साथ में ऐसा ही डिवाइन मैस्कुलाइंस के साथ हो रहा है कि वो सब कुछ भूल चुके, सब कुछ चेंज हो चुका, बट वो सारी जो एनर्जी है वापस से अब उनके दिमाग में क्लियर हो रही है कि मतलब अब ये क्लैरिटी लाना है उनके दिमाग में डिवाइन को कि जो उनकी फेमिनाइन एनर्जी है वो ही उनके लिए सपोर्टिव एनर्जी है, बाकी अदरवाइज कोई एनर्जी नहीं। क्योंकि इस वक्त भी बैलेंस में रहते हुए भी, फ्लो में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन जब मैस्कुलाइंस को ये एहसास नहीं होता है कि हमारा रियल बॉन्ड क्या है, उन्हें इतना पता है कि हम ट्विंस हैं बट हमारा रियल बॉन्ड क्या है। ट्विंस के बारे में आप जितना अच्छे से क्लियरली बोल पाओगे उतना अच्छे से आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी नहीं बोल पाएगी, क्योंकि आपने उस ट्रांसफॉर्मेशन को सबसे पहले देखा है, आपने महसूस किया है सोल लेवल पे, और वो इस चीज़ को 3D में रह कर के फील कर रहे हैं। मीन समझ रहे हो आप 5D और 3D की एनर्जी में होते हो दोनों, तो वो जो 5D 3D है वो आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। और यहाँ पे यही चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लम करती हैं कि वो इस बीच में बहुत सारे ट्रिगर्स अपनी फेमिनाइंस को दे देते हैं, जो ट्रिगर्स फेमिनाइंस को मतलब फेमिनेंस की एनर्जी को इम्बैलेंस करने लगते हैं, या फिर ये कह लीजिए वो वापस से कहीं ना कहीं पर्जिन की एनर्जी में चली जाती है कुछ पल के लिए, उनकी एनर्जी कभी कभी लो हो जाती है, जिसकी वजह से उनका सैक्रल एंड थर्ड आई और हार्ट चक्र बहुत इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो इन चक्रास पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो वो ही चीज़ें अब जो है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें डिवाइन मैस्कुलाइंस को फील होने वाली है कि उन्होंने मतलब जो होता है ना कि जाने अनजाने उन्होंने अपनी डिवाइन फेमिनाइन को कितने सारे ट्रिगर्स दे दिए हैं। तो वो जो मिरर वाली एनर्जी है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा परफेक्टली वर्क करने वाली है, वो आपको सपोर्ट करेगी, वो क्लियरली देख पाएंगे कि आसपास उनकी कोई भी एनर्जी नहीं है, उनके जो सामने है वो जब इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे कि वो उनकी डिवाइन फेमिनाइन है जो बिल्कुल उनके जैसी है।
ठीक है, और यहाँ वो सेल्फ लव में जाने वाले हैं। सेल्फ लव में जाएंगे तो वो जाहिर सी बात है कुछ टाइम का जो उनका प्रोसेस है इस अवेकनिंग का, वो ऐसा ही चलने वाला है कि हो सकता है वो आपसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन में भी आ जाएं कुछ टाइम के लिए, और या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि कुछ टाइम के लिए आप रन करें अपनी एनर्जी से, मीन आप रन करें अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी से, तो ये चीज़ भी होने वाली है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन गई तो फ्रेंड्स रन मत करिए, वहीं रह करके सपोर्ट कीजिए उसी सिचुएशन में बस। यस, उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, उनको उनका जो पीस इनर पीस है उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट मत कीजिए किसी भी तरीके के। वो उनको मतलब सेल्फ रियलाइजेशन होने दीजिए, उनको अपनी एनर्जी में मतलब महसूस करने दीजिए वो कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ कर चुके हैं इस वक्त, ठीक है। और उनके भीतर जो भी गिल्ट बन रहे हैं उन सबको क्लियर करने की कोशिश कीजिए टाइम के साथ जब वो आपसे बात करें, बट आगे से आप लोग उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। बस यही कहूँगी, सपोर्ट कीजिए, ब्लेस कीजिए उनको, ठीक है। तो जितने भी डिवाइन फेमिनाइंस हैं और जितने भी डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं, आप लोग प्रोटेक्शन में हो एक डिवाइन की, और वो आपको रीयूनाइट तक लेकर के जाएंगे। और ये जो रीयूनाइट का प्रोसेस होता है ये आसान नहीं होता फ्रेंड्स, इसमें चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे जैसे आप रीयूनियन के निकट जाते हो या रीयूनियन के पास पास जाते जाओगे, आप में जो भी चीज़ें कहीं ना कहीं इम्बैलेंस बची होंगी वो धीरे धीरे सरफेस पे आएंगी और इसी तरीके से बैलेंस होंगी थोड़े थोड़े टाइम में स्टेजेस या फिर एनर्जी अपग्रेड के ज़रिए, ठीक है। तो बस यही बताना था मुझे आप लोगों को। टेक केयर फ्रेंड्स, मिलते हैं।